सोने से पहले नींबू में चीज मिलाकर लगा लो, कालापन गायब हो जाएगा, हाथों पैरों का रंग रातों रात निखरेगा। क्या आप भी कम टाइम में सिंपल चीजों से अपने हाथों पैरों को चमकाना चाहते हैं, तो आज की बताई गई ट्रिक को फॉलो करें। आज का हमारा ये हीरो इंग्रेडिएंट है लेमन। तो सबसे पहले मैंने लिया है लेमन। लेमन से बेहतर स्किन को निखारने के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। लेमन में अवेलेबल सिट्रिक एसिड स्किन की टैनिंग को फुला देता है और जिससे टैनिंग इजीली निकल जाती है। यह हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, सभी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसमें अवेलेबल विटामिन सी, सिट्रस एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होता है, जो स्किन की रंगत को निखारने, स्पॉट्स को कम करने और डल स्किन को दोबारा से निखारने में हेल्प करता है। फॉर ऑयली स्किन, जो लोग पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनके लिए लेमन काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि लेमन जूस से पुराने पिगमेंटेशन धीरे धीरे लाइट होने लगती है। तो एक नींबू का पूरा जूस आप स्क्वीज करके बाउल में ले लें। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नींबू का जूस सॉल्यूशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक। नमक एंटीबैक्टीरियल होता है और यह स्किन के ओपन पोर्स को टाइटन अप करने में हेल्प करता है, और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने की वजह से ये स्किन पर किसी भी तरीके का कोई भी उल्टा सीधा ग्रोथ नहीं होने देता। एंड ऑयली स्किन के लिए, ऑयली स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने के लिए नमक बहुत ही बेहतरीन होता है। नमक के अंदर एक्सफोलिएटिंग गुण भी होते हैं, जो स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और स्किन की गंदगी, ब्लैक हेड, वाइट हेड, कालेपन को ये निकालता है। इसके यूज से डेड लेयर जो है इजीली निकल जाती है, धूप से होने वाले सन टैन को भी ये तुरंत निकाल देता है। तो थोड़ा सा नमक, 4 to 5 pinch नमक लेकर आप जो है इसमें डाल लें और इसको मिला लें। और जब ये मिल जाएगा, इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी जो है, इंस्टेंट टैन रिमूवल की बात करें तो कॉफ़ी बहुत ही एक हेल्दी एंड सुपर टैन रिमूवल होता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन ये स्किन की टैनिंग को मिनटों में निकालने की क्वालिटी रखता है। और सभी को पता है कि कॉफ़ी में मौजूद कैफीन स्किन के ब्लड के माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है। एज एन स्क्रब आप कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज कॉफ़ी में एक्सफोलिएटिंग क्वालिटीज़ होती हैं। और ये कॉफ़ी फेस पैक लगाने से आपकी स्किन सॉफ्ट और मुलायम भी हो सकती है, तो कॉफ़ी फेस पैक भी आप यूज़ कर सकते हैं, एज एन स्क्रब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ती उम्र में जो भी फाइन लाइंस, डलनेस स्किन पर आती है, कॉफ़ी की हेल्प से स्किन को मेंटेन किया जा सकता है। तो आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर लेकर सॉल्यूशन में डाल दीजिए और उसको प्रॉपरली मिक्स करें। मिक्स करने के बाद एक लिक्विड कंसिस्टेंसी में ही रहेगा, इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपको उसको अप्लाई करना है हाथों पैरों पर। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, फेस पर इसको यूज़ नहीं करना है, जहाँ भी डार्कनेस हो रही है उस एरिया पर आप इसे अप्लाई करें। तो यहाँ पर मैंने अपने हैंड्स पर इसको यूज़ किया है। एज अ सीरम आपको इसको लगाना है, और लगाने के बाद पूरी रात आप इसे लगे रहने दें। रातों रात आपके स्किन पर ये वर्क करेगा। एंड नेक्स्ट डे इसको वॉश कर लें या फिर नहा लें। इसको बनाना भी बहुत आसान है, सिर्फ 1 मिनट आपको इसको बनाने में लगेगा। और इसको यूज़ करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, इसको टाइम नहीं लगता है यूज़ करने में भी। एंड बॉडी को निखारने के लिए बहुत ही ईजी एंड इफेक्टिव रेमेडी है। ऐसा आप वीकली 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। एंड आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही अपडेट्स के हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड बाय बाय।